हेलो टू ऑल माई डियर स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू अर ओन प्लेटफॉर्म दैट इज केमस्ट्री बाई सलोनी सिंह माई सेल्फ सलोनी सिंह की हाल चाल बच्चा लोग कैसे है आप सब आई नो एग्जाम का प्रेशर बहुत नेक्स्ट लेवल पे चढ़ रहा है एंड मैं जानती हूँ इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है तो कई सारे हमारे प्यारे बैक बेंचेस लगातार मुझसे ये कमेंट सेक्शन में पूछ रहे हैं कि मैम कोई ऐसे चैप्टर्स बता दीजिए जिससे श्योर शॉर्ट अगर हमने कर लिया तो हम पास हो जाएंगे तो टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है मैं आपको बताती हूँ आपको कौन कौन से चैप्टर्स बोर्ड एग्जाम्स के लिए कवर कर लेने हैं तो आप बिल्कुल भी फेल नहीं होने वाले यार फेल तो बिल्कुल टर्म ही निकाल दो फेल होने जैसा स्कोप ही नहीं है क्योंकि इसका इस बार का सिलेबस ही इतना आसान है तो सबसे बढ़िया चैप्टर जो है वो है आपका बायो मॉलिक्यूल्स और इस बायो मॉलिक्यूल्स का खतरनाक सात नंबर कैरी फॉरवर्ड हो रहा है बहुत ही बढ़िया दूसरा बहुत ही बढ़िया चैप्टर है जो जिसके अंदर मुझे हंड्रेड परसेंट पता है बेटा कि केमिकल काइनेटिक्स में से चार फॉर्मूला में से एटलीस्ट दो फार्मूला पे से क्वेश्चन आएंगे ही फार्मूला शीट की वीडियो मैंने ऑलरेडी आपको अपलोड की है तो जीरो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट निकालना या उसका हाफ लाइफ निकालना उसके पी क्यूज कर लीजिए उस पर से एक क्वेश्चन डेफिनेटली होगा और इसीलिए केमिकल काइनेटिक्स एकदम छोटा चैप्टर होने की वजह से आप यहाँ से भी आराम से सात नंबर उठा सकते हैं बच्चों ठीक है उसके बाद हाँ जी यस, सो बायोमोलिक्यूल्स के साथ मार्क केमिकल काइनेटिक्स के साथ मार्क बहुत छोटा चैप्टर है फिर आपका आ जाता है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट वहां से भी आपके सात मार्क उठ रहे हैं ठीक है तो ये तीन चैप्टर्स बड़े प्यार से कर लिए और उसके बाद बहुत प्यार आ रहा है तो ऑर्गेनिक का अमाइंस चैप्टर बहुत ही इजी और बहुत ही छोटा है एज कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द थ्री चैप्टर्स और ये आपको सिक्स मार्क्स देता है कितना हो गया सेवन टू जो फोर्टीन सेवन थ्री जो ट्वेंटी वन सेवन फोर जो ट्वेंटी एट यानी कि सत्ताईस मार्क का इंतजाम तो बड़े आसानी से हो रहा है अगर आपने सिर्फ ये चार चैप्टर कर लिया कुछ भी नहीं पढ़ा है केमिस्ट्री में सिर्फ ये चार चैप्टर बहुत अच्छे से कर लिए बहुत अच्छे से कर लिए तो आपको एग्जाम में पास होने से तो कोई नहीं रोक सकता है अमाइंस कर लिया अच्छा ये चार चैप्टर्स करने के बाद भी आपको दिक्कत हो रही है और ये चार चैप्टर्स करने कैसे हैं आप मेरे वीडियोस देख लीजिए बेटा सेवन डेज चैलेंज टेन डेज चैलेंज ये सारे वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड हैं आप देख लीजिए और प्रीवियस प्रीवियसली के क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए जो हम शायद लगातार साथ में सॉल्व भी करेंगे तो ये आपका टारगेट होना चाहिए बायोमोलिक्यूल्स केमिकल कैनाडिक्स डी एन एफलॉग एंड अमाइंस चैप्टर बहुत अच्छे से कर लीजिए सत्ताइस नंबर आपको देकर जाएगा चलो यार काट पीट के भी आप तेईस भी लेकर आ गए तो पास तो हो ही जाने वाले हो अच्छा टू बी ऑन द सेफर साइड वैसे तो मैं बोल रही हूँ चार ही चैप्टर कीजिए बट फिर भी टू बी ऑन द सेफर साइड अगर आपको कुछ और भी ऐड करना है तो इसके बाद जो आप करेंगे वो होगा नेम रिएक्शंस करेक्ट नेम रिएक्शंस सारे रट जाइए तीस के तीस पीडीएफ मैंने टेलीग्राम पे शेयर कर रखी है और उसके साथ साथ दो नंबर का डिस्टिंग टेस्ट आता है ठीक है इतना भी कर लिया आपने तो आप आराम से तीस के पार हैं तीस के पार हैं बेटा तीस के पार हैं इतना कॉन्फिडेंस है मुझे इन चैप्टर्स के ऊपर अच्छा आपको इसमें से लगे कि नहीं मैम शायद हमने ना बहुत अच्छे से कवर किया है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तो आपने किया है तो बहुत अच्छी बात है आप आराम से अपने मार्क्स को अपस्केल कर सकते हो और बाकी बच्चे जो ये सोच रहे हैं कि मैम हम फुल कैसे स्कोर करें देखो यार तीस तो सामने सामने दिख रहा है नंबर दिक्कत किसको होती है पता है जिसको सिक्सटी प्लस जाना होता है क्योंकि वहाँ पर आपके आंसर्स में एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर का प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप एकदम बेसिक लेवल पर हो ना तब तो पास होने के लिए कोई टेंशन ही नहीं लेना है बायोमोलिक्यूल्स उसमें जितने भी बायोमोलिक्यूल्स में भी क्या करना है जितने भी Uh, जो टॉपिक्स हैं जिनको डार्क कलर बोल्ड लेटर्स में एनसीईआरटी में लिखा है उन्हें अच्छे से करना है केमिकल काइनेटिक्स में जीरो फर्स्ट ऑर्डर के हाफ लाइफ और उनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करने हैं एक अरेनियस इक्वेशन पे वन बाई टी वन माइनस वन बाई टी टू वाले पे डीएनएफ ब्लॉक के सारे इंटेक्स और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस खत्म करने हैं और सेम इंटेक्स एंड एक्सरसाइज बस इसके अलावा कुछ नहीं करना है एंड इनफैक्ट आपके पास चार दिन है तो आप आराम से इसको उड़ा सकते हो एंड आई थिंक आप रॉक कर सकते हो तो थर्टी के ऊपर लाने का तो कोई टेंशन नहीं है मेरे सारे प्यारे बच्चे लेकर आएंगे प्रॉमिस करो कि भाई कोई फेल नहीं होगा मैं जानती हूँ इतना कॉन्फिडेंस है कि ये चार चैप्टर करने के बाद आप तो बिल्कुल फेल नहीं हो रहे है, है ना तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे बहुत डर लग रहा है तो पहले आप ये चार चैप्टर कर लो अच्छे से उसके बाद एक्स्ट्रा चैप्टर्स करिए ये चार पहले अच्छे से खत्म कर लीजिए अपने तीस नंबर पक्के कर लीजिए और ये तीस नंबर पक्के होने के बाद तो जीवन शांति में है फिर तो फुल लाना भी सिखाएंगे आपको तो पहले ये काम कर लीजिए बच्चों इतना कर लीजिए आप पास हो जाएंगे चलिए दैट वॉज इट विल मीट यू सून इन द नेक्स्ट सेशन टिल देन टेक केयर लव यू ऑल बाय